हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनुष। आज आप सभी को मैं बताने वाला हूं, आप आय आवास या जाति ऑनलाइन करना चाहते हैं ब्लॉक लेवल पे, वो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा नाम है तनवीर, आप देख रहे हैं तनुष ग्रुप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करके सर्विस प्लस के वेबसाइट पे जाना है, serviceplus.gov.in करके इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो कुछ इस तरह का ओपन होगा, इस पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो यहाँ अगर आपका पहले से आईडी बना हुआ है तो आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे बना हुआ नहीं है अकाउंट तो नीचे में आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे इसको यहाँ रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप इसको रजिस्टर करके इसका आईडी बना सकते हैं। इसका आईडी बनाने के लिए आपका मोबाइल नंबर और नाम और यहाँ जो है पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के इसको सबमिट करना होता है। इसके बाद आपका एक रजिस्टर बन जाता है, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट जाना होगा, फिर आपको वहीं जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के यहाँ इस पर साइन इन करना है। तो मैं यहाँ फटाफट अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कैप्चा कोड डाल लेता हूँ। तो यहाँ कैप्चा कोड डालने के लिए डाल दे रहा हूँ मैं अपना। तो जैसे ही कैप्चा कोड डालते हैं उसके बाद यहाँ आप लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं यहाँ कैप्चा कोड डाल लेता हूँ। वेबसाइट डालने के बाद यहाँ इसको लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ इसको नो थैंक्स कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप सर्विस प्लस के वेबसाइट पे आप लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ आपका नाम दिख रहा होगा, जिस आईडी से आप बनाए होंगे, जिस नाम से। तो आप जैसे यहाँ अप्लाई पे करेंगे, इस कॉर्नर में अप्लाई का सर्विस का जैसे ऑप्शन है, इसमें आप व्यू ऑल सर्विस पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे में, तो यहाँ हर एक सर्विस आपको खुल के आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ से सर्विस दिया हुआ है इसमें, और यहाँ से नेक्स्ट कर करके आप सर्विस को ढूंढ सकते हैं, या फिर यहाँ आप सो सर्च का भी ऑप्शन है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ जैसे रेसिडेंटल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करना चाहता हूँ, तो RES जैसे ही सर्टिफिकेट RES जैसे ही इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं रेसिडेंटल सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने का DM लेवल का SDO लेवल का सब आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म खुल के ओपन हो चुका है। तो यहाँ आप अपना जो है फॉर्म भर लें, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ इसको फटाफट से फॉर्म भर के आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ फटाफट फॉर्म भर रहा हूँ। भर लेने के बाद यहाँ से कुछ फोटो अपलोड अपलोड करने के बाद यहाँ से आप इसको आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। यहाँ से इसको आई एग्री कर दें, और आई एग्री करने के बाद आप यहाँ कैप्चा कोड डाल दें। तो मैं यहाँ कैप्चा कोड डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डाल देने के बाद तो यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ कैप्चा कोड डाल दिया हूँ, और प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ, मेरा सब कुछ सही है। अगर आपका गलत है तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक अलग, देखिए यहाँ एक दूसरा पेज आ चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारा फॉर्म जो भरा है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं डाटा कोई गलत भी तो नहीं है। गलत अगर है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ एडिट नहीं करते हैं तो आपका जो गलत हुआ होगा वो फॉर्म पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पूरा बढ़िया से चेक कर लें कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है आपसे। तो यहाँ आप चेक कर लेने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अटैच का ऑप्शन है,
कोई डॉक्यूमेंट हमको यहाँ इसमें अटैच करना है, तो मैं यहाँ कोई डॉक्यूमेंट इसमें अटैच कर देता हूँ। तो मैं यहाँ जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो एक दूसरा टैब खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप सिलेक्ट कर लें जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं। मैं यहाँ से अपना पहचान पत्र सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप जो आधार कार्ड बहुत तरह का यहाँ दिया हुआ है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं इसमें डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको उसका फ़ोटो दे देना है, तो मैं यहाँ अपना फ़ोटो भी दे देता हूँ। फ़ोटो दे देने के बाद आपको यहाँ सेव नीचे में क्लिक करना है। सेव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आप यहाँ से भी आप चेक कर लें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं ये आ चुका है, मैं जो भी यहाँ इसमें डॉक्यूमेंट दिया हूँ यहाँ पे शो कर रहा है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ दस्तावेज दिखा रहा है जो मैं यहाँ इसमें लगाया हूँ। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो ऑनलाइन किए तो उसका रिसीव आ चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें आवेदन का संख्या भी दिया हुआ है और डेट भी दिया हुआ है, कब मिलेगा वो भी दिया हुआ है। आप अपना नाम भी देख सकते हैं, किस डेट में आपको ये सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा आप यहाँ इसको देख भी सकते हैं। और ऊपर की तरफ जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ। अगर आपको ये मिल जाता है रसीद, आवेदन संख्या मिल जाता है, तो इससे आप पता भी कर सकते हैं कि मेरा आवेदन बना या नहीं बना है, तो उसको आप लोड भी कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट बनने के बाद। उसको कैसे करते हैं मैं इसको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।